हेलो एवरीबॉडी, टुडे जैसे कि आप देख सकते हो मैं पेरिक्स का रिव्यू करने वाली हूँ। ये एक जूट के ऐसे पाउच में आता है और इसमें तीन प्रोडक्ट्स हैं। फर्स्ट इज दिस शैम्पू, दिस ऑयल एंड दिस सीरम। सबसे पहले मैं शैम्पू की बात करती हूँ। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर लाइक क्वाइट सम टाइम। 100 ml है ये शैम्पू और ये मेरा थर्ड मंथ है दैट आई हैव बीन यूजिंग। हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, सेफ और इफेक्टिव है, डॉक्टर फॉर्मुलेटेड है, ऑथेंटिक आयुर्वेदा है और सल्फेट एंड पैराबिन फ्री है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं तो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, चिनोबोडियम क्विनो एक्सट्रैक्ट है, एक्लिप्टा एल्बा एक्सट्रैक्ट है जिसको ब्रंगराज बोलते हैं, यष्टि मधु है, एक्वा मीन्स वाटर शैम्पू बेस है, परफ्यूम है और प्रिजर्वेटिव्स है। क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि आप एलर्जिक हो सकते हो नेचुरल प्रोडक्ट को, तो आप उसको पहले कोई भी सेंसिटिव पार्ट जैसे एल्बो पे थोड़ा सा ट्राई कर लें बिफोर यूजिंग। इसका MRP है 499। इस पे एनिमल टेस्टिंग नहीं की गई है इस प्रोडक्ट की, सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है। कूल और ड्राई एरिया में आपको इसको प्रिजर्व करके रखना है और ये आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन है। मैंने इसको 2-3 महीने यूज़ किया है। इस शैम्पू की एक अच्छी बात यह है कि ये पंप के साथ आते हैं तो आप इसको ईजिली इसमें से निकाल सकते हैं। और दूसरा व्हाट आई लाइक अबाउट इज शैम्पू बहुत थोड़ा सा यूज़ होता है जब आप यूज़ करते हो और ये अच्छे से आपके स्कैल्प को क्लीन करता है। मुझे डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इसने मेरा डैंड्रफ ऑलमोस्ट 60-70% ठीक कर दिया है, विच इज़ अ गुड थिंग। और इसमें कोई भी एडेड कलर नहीं है और कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है। कोकोनट की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है जो मुझे बहुत पसंद है। और एक अच्छी बात जो मुझे शैम्पू की लगती है कि शैम्पू करने के बाद आपके बाल गिरते नहीं है वॉशरूम में। ये पहला प्रोडक्ट था। दूसरा इज दिस वेदिक्स एंटी हेयर फॉल ऑयल, क्योंकि मेरे क्वेश्चनेयर में ये दो वो आए थे वत और कफ, तो ये उसी को बैलेंस करने के लिए 100 ml है अगेन। और ये आपको बताया गया है कि इसे यूज़ करना है 5-15 ml ऑयल लेके आपको अपने स्कैल्प पे मसाज करना है। इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो, विथेन अश्वगंधा, कुष्ठा, टर्मिनेलिया, फाइलेंथस एम्बलिका, त्रिफला जिसको बोलते हैं, सेरिएका, कुमारी, कृष्णतिला, मेथिका, तगरा, ग्रेप सीड, कैरेट सीड, सेज, नारिकिला तेला। अगर किसी ने ये शैम्पू की जो खुशबू है वो थोड़ी खुशबू नहीं स्मेल इज़ थोड़ी सी तीखी सी स्मेल है, तो लगा के कहीं बाहर नहीं जा सकते, पर अच्छा ऑयल है। एयरफॉल इसने मेरा रिड्यूस किया है बहुत हद तक, सो आई क्वाइट लाइक दिस ऑयल। और तीसरा प्रोडक्ट इज़ दिस हेयर रीग्रोथ सीरम जो 50 ml है और एक प्लास्टिक की बॉटल में है। ऑल्दो मुझे ये प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए, पर मेरा एक कंसर्न इन प्रोडक्ट से ये है कि अगर ये कांच का है तो ये दोनों चीज़ें भी कांच की होनी चाहिए, वो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली भी चीज़ हो जाएगी। इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो, बीजका, कुमारी, गुंजर, जपा, कृष्णतिला, ब्रिंगराज, नीरगुंडी, सैरियका, विबिताकी, बाकूची, ग्रेप सीड ऑयल, सीडार, वेटिवर, एसेंशियल ऑयल और सीरम बेस और प्रिजर्वेटिव्स। तो ये सीरम बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने 2-3 महीने, ये थर्ड बॉक्स है, तो आई कैन से कि मेरा जो हेयर ग्रोथ है वो हुआ है, मेरे हेयर थिकन हुए हैं, छोटे छोटे बेबी हेयर्स आर अराइविंग एंड इसने मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं। तो आई थिंक ये अच्छा ब्रांड है, मेड इन इंडिया है, और अगर आप इसको
चार पाँच महीने के लिए मंगाते हैं तो आपको एक रीजनेबल प्राइस में 599 में पड़ता है. तीन प्रोडक्ट 599 में और आयुर्वेदिक एंड दैट टू मेड इन इंडिया इज़ अ गुड थिंग. आई थिंक यू शुड वंस ट्राई दिस. मेरे लिए तो काम किया है. आई वुड गिव इट 100 में से 85 बिकॉज नथिंग इज़ परफेक्ट. अबाउट हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है. डैंड्रफ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है. हेयर फॉल रिड्यूस होने का मतलब ये नहीं है बिल्कुल बाल नहीं गिरते, बट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है मस्त से. मेरा हेयर का टेक्सचर धोने के बाद इज़ वेरी मैनेजेबल. बाल बहुत मैनेजेबल है. सो ये मेरा रिव्यू था. आई होप यू लाइक इट.